हे गाइस, आज फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ। और पहले तो मैंने इस बैगन को गोल बैगन को गोल करके ही काटा है, कितना टैलेंटेड हूँ मैं। और पहले इसको अच्छे से धुल के उसके बाद मैं प्लेट में रख दूँगी। और प्लेट में रखने के बाद मैं इसको साइड में हटा लूँगी और उसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली किसमें के लिए। आज मेरे ससुर जी मछली लेके आए थे, जो जापानी मछली थी, उसके पेट से इतना सारा एग निकला हुआ है, जो फिश एग बुलाते हैं उसको। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं सारे मछली को अच्छे से धो के मैंने मिर्च हल्दी पगड़ा से अच्छे से मार के उसको मैंने फ्राई करने लग दिया है। और उसके बाद मैं फ्राई करती जा रही थी, और उसके बाद फ्राई करके मैं जाऊँगी डायरेक्टली किसमें। मैं सब्जी काट के ऑलरेडी मैंने सब्जी काट के रख दिया है, जो कि है बैंगन आलू की सब्जी और टमाटर भी होगा इसमें। और मैंने प्याज लहसुन पहले से ही ठीक करके रख दिया है। यहाँ पे मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था उस चम्मच से, मैंने चम्मच फिर बदल के यहाँ पे इस चम्मच से मैं निकाल रही थी, जो कि मेरा जो फिश है वो फ्राई हो गया था। और मैं दूसरा जो फिश है वो डाल रही थी। और उसके बाद उसको डालने के बाद मैं जो मेरा सब्जी मैंने काट के रखा है उसमें हम जाएंगे, और उसको मैं मिर्च और हल्दी पाउडर से मैरिनेट करके रखूँगी 2-3 मिनट के लिए बस। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पूरा जो फिश है वो फ्राई हो चुका है, और मैंने जो फिश का जो सर है वो डाला है फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने हल्दी और मिर्च पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा नमक डाल के मैं अच्छे से मार लूँगी। यहाँ पे जो साइड में आप देख सकते हो टमाटर और लहसुन और प्याज मैंने काट के ऑलरेडी रख दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी, मैं जो दिखाना भूल गई। यहाँ पे देख सकते हो वो रिफाइन ऑयल है, अच्छे से दिखा नहीं इसलिए। और मैंने इसको ऐसे ही बस थोड़ा सा ऑयल लेके मैं उसको फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं उसको उतार लूँगी, पहले फ्राई होने दूँगी अच्छे से, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा कढ़ी बनता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं इस तरह हमेशा अपनी जो घर पे मैं बनाती थी, अभी ससुराल आके कभी कभार ऐसे बनाती हूँ मेरा जब मन करता है। और यहाँ पे जो मछली का जो सर है वो अच्छे से होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फिश था और मछली था जो भी था। और यहाँ पे अभी भी बाकी है फ्राई करना, तो मैं अच्छे से उसको चला के मैं फ्राई कर रही थी। उधर जो मेरा सर है वो भी चेक कर रही थी, क्योंकि अकेली हूँ तो इसलिए सब जगह दिखना पड़ता है। ससुराल आके सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे ही है। और यहाँ पे जो मेरा फिश है, मछली है, जो भी है वो फ्राई हो चुका है। और अभी जो मछली के अंदर से उसका तेल वगैरह निकलता है उसको फ्राई करने वाली हूँ मैं। और यहाँ पे फिर से मैं उसको चला के देख रही हूँ कि नीचे से ना लगे और अच्छे से फ्राई हो जाए। और उधर थोड़ा सा नमक ऐड करके मैं जो मछली के अंदर से तेल वगैरह निकला है वो अच्छे से फ्राई करके, वो मेरे ससुर जी बहुत अच्छा लगता है उनको, तो वो खाते हैं, तो इसलिए मैं इसको हमेशा थोड़ा सा नमक दे के फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा जो बैगन आलू है अच्छे से फ्राई हो चुका है, और यहाँ पे मैं अभी ऑयल डाल लूँगी, तेल डाल लूँगी। और उसके बाद मैं जो प्याज लहसुन का पेस्ट है जो मैं काट के रखा है मैंने, मतलब कि थोड़ा सा मैंने जो मैंने ऑयल डाल दिया है, अभी प्याज लहसुन मैं डाल दूँगी और अच्छे से उसको फ्राई करूँगी। क्योंकि जब तक प्याज लहसुन अच्छे से फ्राई नहीं होता तब तक हमारा जो खाना है, कढ़ी है, जो भी आप बनाओगे वो टेस्टी कभी नहीं बनेगा। इसलिए आप मेक श्योर सब समय ध्यान रखना कि अच्छे से हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट जो है अच्छे से फ्राई होकर थोड़ा सा ब्राउन टाइप आ जाए, तब जाके आपको मतलब कि सब्जी डालना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से फ्राई होने के बाद थोड़ा सा मेरा लाल टोन आ गया था, तो मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए हैं। और टमाटर डालने के बाद अच्छे से इसको चला के फ्राई करूँगी, क्योंकि मेरा जो सब्जी है ऑलरेडी पूरा आधा मतलब कि पका हुआ है, क्योंकि मैंने फ्राई कर लिया था पहले से। यहाँ पे जीरा गुड़ मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है, मिर्च पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी। और उसके बाद अच्छे से चला के मैं इसको भून लूँगी और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि जो मेरा जो ये पेस्ट है वो जले ना। और थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर लिया है, या फिर आप देख सकते हो। और अच्छे से भुनने के बाद ही मैं इसमें सब्ज़ी डालूँगी, कि अदरवाइज अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि अभी भी जो हमारा जो क्या कहते हैं उसको मिर्च वगैरह है उसका खुशबू रह गया है, तो उसका खुशबू चला जाएगा तब मैं डालूँगी। यहाँ पे चला गया ऑलरेडी, 2-3 मिनट हो चुका था, इसलिए मैंने सब्ज़ी डाल दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। और सब्ज़ी डालने के बाद अच्छे से उसको चला के मैं एक साथ मिक्स कर लूँगी, उसके बाद जाके थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, ताकि नीचे से ना लगे और सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब ना हो।
इसको थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने वो थोड़ा सा चला दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा और पानी डालूंगी और उसके बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छे से सब्जी को मैंने चला के थोड़ा सा पानी ऐड करके अभी मैं ढक्कन से उसको ढक कर रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा और पकने दूँगी और उसके बाद जाके मैं इसमें जो मेरा मछली है वो मैं बाद में डालूँगी, पहले थोड़ा सा और पकने दूँगी। और यहाँ पे जो मेरा बर्तन वगैरह है बहुत सारा बच चुका है, जो उसको भी मुझे मांगना है। और यहाँ पे दूध गर्म करना के लिए मुझे चूल्हे पे मैंने दूध गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने मतलब कि जो भी मैंने दूध चढ़ा दिया गर्म करने के लिए और उसके बाद जाके मैं सारे बर्तन को धुल लूँगी क्योंकि बहुत सारा बर्तन जो है बच चुका है। और खाना जब खाऊंगी और सारा बनेगा तो बहुत सा ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ अभी, अगर मैं स्टॉप करूँगी रिकॉर्डिंग तब फिर से नहीं होगा क्योंकि मेमोरी मेरा फुल है, सब कुछ बताना पड़ता है क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, जो भी मेरे यूट्यूब की फैमिली हो, थोड़ा बहुत मेरा वीडियो देखते हो, उनके लिए मैं थोड़ा मतलब कि सब कुछ बताना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो मैं सारा बर्तन जो मैं बहुत जल्दी जल्दी मांज रही हूँ क्योंकि यार ऐसे असली में नहीं कर रही थी, मैंने एक्सपेक्ट किया इसलिए ऐसा दिख रहा है। हाँ तो मैं सारा कुछ अच्छे से धुल के मैं सब यहाँ पे रख रही थी, जो हमारा एक हांडी है जहाँ पे हम सारे सामान धुल के यहाँ पे रखते हैं। और अच्छे से धुलने के बाद मैं जाऊँगी और बाद में फिश डालूंगी कढ़ी में, और उसके बाद में जो फिश का जो एग निकला है उसमें काम करूंगी। उसको मैं उसके लिए मैं प्याज काटूंगी और उसके बाद सारा कुछ डालूंगी जो आप आगे वीडियो में देखने वाले हो। अच्छे से मेरा आवाज़ नहीं आता क्योंकि मेरे पास हेडफोन भी नहीं है, क्या किस्मत है मेरी आई है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो कढ़ी है अच्छे से पक चुका है। और उसके बाद मैं थोड़ा पानी ऐड करूँगी और करने के बाद मैं जाके फिश ऐड करूँगी, मतलब पहले फिश ऐड कर दिया मैंने और उसके बाद जाके मैं पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर मैं पकने के लिए डालूँगी क्योंकि जो फिश का टेस्ट है वो बड़ा पा रहा है। यहाँ पर मैं मुझे खांसी आ रही थी तो मैंने खांस दिया, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और कर दिया है। और उसके बाद मैं फिर से ढक के रख दूँगी, थोड़ा सा और ऐड करूँगी और उसके बाद ढक के रख दूँगी और थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उबल आएगा तब मैं फिर से जो मेरा पूरा पानी डालना है वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पे जो उबाल आ चुका है और मैं अभी पूरा पानी डाल के उसको ढक के रख दूँगी, यही इतना काफ़ी है। बहुत सारे लोग हैं हमारे घर में, बहुत सारा सब्जी लगता है फिर फेंकते भी है, थोड़ा थोड़ा खाते सब। तो यहाँ पे मैं प्याज काटने लगी, जो उसका छिलका वगैरह ये सब उतारने लगी और एक आधा मैंने डाला है प्याज यहाँ पे, ज़्यादा एक नहीं था आप देख सकते हो यहाँ पे कटोरी में रखा हुआ है। और अच्छे से मैं उसका जो छिलका है निकालने के बाद इसको फेंक दूँगी नीचे। नीचे हमारे और हांडी है जो गाय खाते हैं, सारा सामान हम यहाँ पे फेंक के रखते हैं और लास्ट में जब जो गाय आते हैं तो खा लेते हैं सब कुछ। हाँ थोड़ा थोड़ा छोटा 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 पीसेस करके मैं काटूंगी यहाँ पे प्याज को। और उसके बाद दूसरा कैसे काटती हूँ देखो, मेरा स्टाइल ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे करके काट दिया मैंने। और गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और शेयर तो बहुत ज़्यादा करना यार, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप सब शेयर ही नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते यार। वीडियो लाइक करना, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फिर सब कुछ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। थोड़ा बहुत भी एडिटिंग अगर मैं कर पाती हूँ तो उतना भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है यार गाइस सब सपोर्ट करना। उसके बाद मैंने मिर्च जीरा और क्या डाला था मैं भूल गई थी, सारा कुछ रेडी हो चुका है और ऑयल डालूंगी। और उसके बाद सारा मैं मतलब जो एक निकला है जो फिश का है सारा कुछ डाल दूँगी। और बार बार मुझे जाना आना पड़ता है यहाँ पे, हुआ वहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो कड़ी है वो उबाल आ चुका है और थोड़ा सा मैं पकने दूँगी उसके बाद मैं हटा लूँगी। और यहाँ पे मेरा तेल अभी तक गर्म नहीं हुआ, मैंने प्याज डाल के देखा है, यहाँ पे सारा कुछ मैं डाल दूँगी, डालने के बाद अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद गाइस मैं जो मेरा जो बैगन का पूरी है वो बनाने लगी। और यहाँ पे बाहर का नज़ारा आपको सबको दिखाने वाली थी, मतलब कि मेरे किचन से नज़ारा कैसा लगता है, हमारा जो
पीछे वाला जो जमीन है उसमें बहुत ज्यादा हरियाली है, अच्छा लगता है देखने में। तो मैं देखती रहती हूँ और यहाँ पे मैंने स्पीड करके आपको दिखाया कि क्या क्या मसाला मैंने ऐड किया है। जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक के बाद थोड़ा सा मैरिनेट करके रखूंगी और उसके बाद मैं कढ़ाई में डाल दूंगी फ्राई करने के लिए अच्छे से। फ्राई होने के बाद मैं खा लूंगी और क्या करूँगी, कुछ नहीं करूँगी। और अच्छे से मैं उसको माट के अच्छे से लगाऊंगी सारे मसाले। और मसाले अच्छे से लगने के बाद मैं इसको तेल में कढ़ाई में डाल दूंगी और अच्छे से मैं इसको फ्राई करूंगी। थोड़ा सा ज़्यादा लाल नहीं करूंगी क्योंकि ज़्यादा लाल करने से मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही अच्छा लगता है। ज़्यादा फ्राई करने से टेस्ट बराबर नहीं आता कभी भी, इसलिए मीडियम ही फ्राई करना है। और अच्छे से फ्राई होने के बाद एक एक करके मैं सारे चीज़ें उतार लूँगी। और बीच में मेरा गिर गया था ये वीडियो, में लगभग मैंने वीडियो शूट करके रखा था, 10-12 दिन हो चुका था और मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं वीडियो एडिटिंग कर पाऊँ, और इसलिए अभी कर रही हूँ। और बात करने में भी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ससुराल में वो सारा कुछ सुन लेते हैं, धीरे धीरे बात करना पड़ता है। फिर भी सुनते होंगे और हंसते होंगे मुझ पर, क्या पता। और उसके बाद यार वीडियो बनाते हुए इतना ज़्यादा मुश्किल होती है, पता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके छुप छुप के वीडियो बनाती हूँ मैं, तो मतलब एक ऐसा लगता है कोई देख ना ले और मुझे शर्म आती है। और यहाँ पे मेरा जो गिरने ही वाला था लगभग, मैंने बहुत मुश्किल से उसको उठाया। और बाद में यहाँ पे लगभग मेरा जो पूर है जो मतलब पक चुका है, और अभी मैं एक एक करके सारा कुछ उतार लूँगी और बाकी जो है वो डालूँगी। और गैस में दिखाना भूल गई थी कि मेरा जो, और एक बात क्या है पता है, इस कढ़ाई में जो मैं पूर बाजी कर रही हूँ, इस कढ़ाई का बल लगभग उम्र 30 साल हो चुका है, अभी तक चल रहा है, कितना टिकाऊ है। और इस कढ़ाई का जो हालत है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सुंदर हो चुका है, बस अच्छे से देख सकते हो सब। और यहाँ पे जो मेरा चाय पूर है वो ऑलरेडी पक चुका है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। और दूसरा जो है मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, एक एक करके डालूंगी। और सारा कुछ यहाँ पे बहुत सारे हो चुके हैं और बाकी ये भी हो चुका था, और ये दोनों मैंने अभी डाला है, तो अभी ये दोनों अभी बाकी है। और उसके बाद में जो फिश, एक फिश है, फिश का एग है, सॉरी, एक फिश का एग है जो अच्छे से फ्राई हो चुका है, वो उसको उतार लूँगी। और जो कड़ी है वो भी बन चुका है। और बाय बाय टाटा।